हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आई मेकअप लुक मेरा देख रहे हो, बहुत ही इजी वे में अगर आप ब्लू ड्रेस डाल रहे हो तो ये आई मेकअप आपके लिए है। और आप बहुत ही आसान से बिगिनर्स हैं तो बेस्ट रहेगा। बहुत इजी स्टेप के साथ अपने चैनल पे मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है या सीखनी है बारीकी के साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगी इस टॉपिक पे। तो ये था मेरा फाइनल लुक, इसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो जाके जल्दी से चेकआउट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको इसी मेकअप लुक के साथ साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, एक डोनट बन की मदद से आपके बाल भी पतले हल्के। मेरे को थायराइड हो गया था जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे बाल अभी फिलहाल में बहुत पतले दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कमेंट भी आई थी मैम आपके बाल ख़राब हो गए हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सप्लेन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने अपना चेकअप कराया जिसमें मुझे थायराइड निकला, और थायराइड की दवाइयाँ मैं ले रही हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल स्किन सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आई बटन पे क्लिक करके मेकअप का वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले आपको बीच की मांग निकालनी है। साड़ी डाल रहे हो तो बीच की मांग के लिए बेस्ट रहेगा, एंड नई नवेली दुल्हन के लिए तो बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके बाल शॉर्ट हैं और आपके पास मतलब कोई हेयर स्टाइल बनाने का आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। छोटे बालों में साड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल बता रही हूँ, सेल्फ बना लोगे सबसे अच्छी बात है। इसके साथ मैंने गजरा वगैरह ऐड नहीं किया था, बट अगर आप पार्टी फंक्शन या वेडिंग सीजन में ये हेयर स्टाइल बना रहे हो तो आप गजरा और हेयर एक्सेसरीज ट्राई कर सकते हो, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत लुक दिखाने के लिए। तो मैंने इस तरीके से बालों को कॉम किया था और इस लुक के साथ बाल ही काफ़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी वाली इस तरीके की इयररिंग्स। तो इस तरीके से आपको भी ज़्यादा लंबी मांग नहीं निकालनी है, ज़्यादा लंबी मांग से थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं लगता है। तो आपको छोटी सी मांग निकालनी है और इस तरीके से सारे बालों को टाइटली पकड़ना है, और एक रबड़ बैंड की मदद से सारे बालों को टाइटली सेट लगा देना है रबड़ बैंड को यहाँ पर। तो रबड़ बैंड को मैंने लगा लिया है, बट मेरा क्राउन एरिया जो है वो फ्लैट लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि थायराइड की वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से क्राउन एरिया से हेयर को खींचना है एंड अपने बालों में वॉल्यूम दिखाना है, क्राउन एरिया पे एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। उसके बाद हमको लेना है यहाँ पर डोनट बन, और डोनट बन को इस तरीके से रबड़ बैंड के ऊपर लगा देना है। डोनट बैंड को लगाने के बाद से आपको यहाँ पर यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है, क्योंकि ये डोनट बन मेरे बालों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको ही मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ। छोटा वाला डोनट बन मुझे मिल नहीं रहा था, अपने बालों के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग डोनट बन यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हो। फिर बालों का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना है और उसको इस तरीके से पकड़ना है अपर के डायरेक्शन में। पहले मैं सोचती थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मैंने सडनली मेरे दिमाग में आइडिया और इस तरीके से ट्विस्ट किया है, और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करते जाएंगे इस तरीके से फैला के, क्योंकि हमारे बालों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने बड़े डोनट बन को हाइड कर सके, इसलिए मैं इसको इस तरीके से फैला के डोनट बन के ऊपर लगाऊंगी ताकि चार पांच लेयर में हमारा डोनट बन अच्छे से हाइड हो जाए। और जो बन का लुक था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की डे बाई डे वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर शो होंगी जिससे आप मेरी वीडियोज़ का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर से मैंने हेयर को लिया, एक बार ट्विस्ट किया, इस तरीके से फैलाया है एंड यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट लेयर लिया था यहाँ पे, अभी ये लेयर थोड़ा सा उठा उठा लग रहा था, तो एक और यू पिन लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। यू पिन लगाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हमारे बाल ऑलरेडी छोटे और पतले हैं, तो यू पिन की मदद से ही हमारे बालों बाल डोनट बन को हाइड कर पाएंगे और अपना लुक जो है वो आ पाएगा अच्छे से। तो जहाँ भी आपको लगे कि यू पिन की जरूरत है वहाँ पे आप यू पिन लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से बालों को फैलाते हुए डोनट बन को अच्छे से कवर करेंगे। तो इस तरीके से एक यू पिन मैंने यहाँ लगाया है, और जो हमने हेयर को घुमाया था वहाँ पे एक यू पिन और लगाएंगे। इस तरीके से हेयर को घुमाएंगे, ओके इस तरीके से लगाया है एंड बीच में हमारा जो डोनट बन है वो दिख रहा था, तो उसको मैंने इस तरीके से करके हाइड किया है। दूसरी साइड फिर से लेंगे लेयर हेयर का और इस तरीके से फैलाएंगे बालों को,
और डोनट बन पे रख के यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से घुमा दिया है, काफ़ी अच्छा सा मैसी सा बन यहाँ पे बन के रेडी होगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। इसके साथ आप गजरा या फिर कोई भी बालों को डेकोरेट करने वाला पिन लगा दोगे तो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप पारदर्शी बनवा के आए हो ये बन। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। तो इस तरीके से दोबारा से एक लेयर लिया है और उसमें तीन लेयर मैंने ऊपर लगाए, उसके बाद बचे हुए बालों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद सिंपली इसको ट्विस्ट किया है। और कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा, ये ट्विस्ट करके उस साइड नहीं ले जाना, दूसरी साइड लेके आएंगे और बन के इस तरीके से साइड में लपेट के और इसको यू पिन से सिक्योर करना है। फिर जो ये बचा हुआ लेयर है इसको भी इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। ओके, पूरा एंड तक ट्विस्ट कर लेंगे। अगर आपके बाल बड़े होंगे तो कमाल का लुक आ जाएगा, बट छोटे बाल बड़े बाल तो ईजिली बन ही जाते हैं, पर लेकिन डिफिकल्ट होता है छोटे बालों में हमको परफेक्ट लुक दिखाना। तो मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके के आइडियाज और हैक मिलते रहते हैं पार्लर से रिलेटेड, मेकअप, हेयर स्टाइल और चीज़ें जो भी पार्लर में आती हैं सबसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर स्टाइल का लुक, अब नीचे भी थोड़ा सा डोनट बन दिख रहा है तो इसको भी अच्छे से हाइड करेंगे। इस तरीके से हेयर को खींच के और यू पिन लगाएंगे। जो हमारा कटा हुआ हेयर था वो भी यहाँ पे लुक को ख़राब कर रहा था, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बन हेयर स्टाइल, और मैंने इसको कहीं से देखा नहीं, कहीं से कॉपी नहीं किया, बस बनाते गई और ऐसा लुक आया है। ऊपर में गजरा या फिर कुछ लगा दीजिएगा जिससे कि आपका जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो साड़ी डालते हो तो ये वाला बन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई हो, और हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर फ्लावर वाले यूपिन्स आते हैं तो एक सेंटर में लगा दीजिए, छोटे छोटे यूपिन्स जो आते हैं पूरे जोड़े पे लगा दीजिए, तो इसका जो लुक होगा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत दिखेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और इंस्टाग्राम पर जाके मेरी रील्स वीडियोज़ ज़रूर देखिए। और मेरा सेकंड चैनल जिससे मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ डालते रहती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और सिलाई से रिलेटेड सारे काम सीख सकते हो पूरी बारीकी एंड स्टेप बाय स्टेप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और डे बाई डे में और अच्छी और अट्रैक्टिव वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। लव यू ऑल, बाय बाय।